अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अवनी, समर, तुम लोग टेस्ट करो और बताओ इसमें मैंने मिर्च डाली है या नहीं। मैं देती हूँ। इसमें तो कोई मिर्च नहीं है। लो, अवनी और समर को तो कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब सचमुच खाने में मिर्च नहीं है। जरूर रूही ने ऊपर से कुछ डाला होगा। अरे क्यों सोनी के पीछे हाथ धो के पड़ी हुई हो? नहीं दादी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप प्लीज मुझे यकीन कीजिए, मैंने कोई मिर्च नहीं डाला। मैं तो बस धक्की हुई ताली मम्मी जी के पास लेकर गई। एक मिनट, तुमसे किसने कहा सोनी के पास खाना ले जाने के लिए? मैं तो अवनी को भेजने वाली थी। दादी जी, अपनी दीदी को आने में टाइम था और मैंने सोचा मम्मी जी को दवाई लेना होगा, इसलिए मैं लेकर चली जाती हूँ। वाह सोनी, लगता है तुमने प्रार्थना सही से नहीं की है, क्योंकि तुम्हारी मुसीबतें कम होने के बजाय और बढ़ रही है। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने खाने में कोई मिर्च नहीं डाली। अग्नि, तुम एक बार प्लीज याद करो ना, कहीं तुमने कटोरी में नमक की जगह मिर्च तो नहीं डाल दी। रूही प्लीज, अपनी गलती का इल्जाम मुझ पर मत ठोको। नहीं अग्नि, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है। बंद करो अपनी बकवास, बंद करो, बंद करो। रोज रोज के झगड़ों से थक चुकी हूँ मैं, बंद करो, बंद करो। अब तुम एक शब्द नहीं बोलोगी रूही। अवनी, जाके मंदिर के द्वार बंद कर। अवनी, मैंने कुछ कहा ना? जाके खाटू जी के मंदिर में पर्दा लगा, जा। मम्मी जी, आप प्लीज ऐसे नाराज मत होइए। मैंने कहा ना, एक शब्द नहीं कहोगी तुम। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। कंगन पहनाते वक्त मैंने यही सोचा था कि तुम मेरा घर बहुत अच्छे से संभाल लोगी, लेकिन तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा और रिश्तों में दरार सिर्फ यही दिया रूही, सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूं, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। जब इस घर में शांति आएगी,
मंदिर के द्वार उसी दिन खुलेंगे, पर ना जाने वो पल कब आएगा, क्योंकि इस घर के गणेश की वजह तुम हो। दादी, लोहा गरम है, हाथ थोड़ा मार दीजिए। न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें ये शगुन के कंगन पहनाए थे। तुमने इस घर को सिर्फ कलेश, अपशगुन, गुस्सा और रिश्तों में दरार सिर्फ यही दिया, रूही सिर्फ यही दिया। मैं कसम खाती हूं, आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। पौधों पे लगी धूल तो इस पानी से साफ हो जाएगी, फिर तुम्हारे दिमाग पर लगी धूल भी साफ करो। दादी, वो मैं कुछ समझी नहीं। रूही, घर का माहौल तो तुमसे छुपा नहीं है, मेरी बात मानो तो कुछ दिनों के लिए तुम अपने मायके चली जाओ। दादी जी, मायके ऐसे अचानक? अरे अचानक कहाँ, घर में जो तमाशे हो रहे हैं उसका निष्कर्ष तो यही है ना। और फिर सोनी भी कहीं ना कहीं यही चाहती है, तभी तो उसने कसम ली है ना कि घर में पूजा तभी होगी जब घर की मुसीबतें खत्म होगी। और उसके लिए मुसीबत मतलब तुम, तभी तो उसने कहा ना कि घर के कलेश की वजह तुम हो। पर दादी जी, मैंने सच में कुछ नहीं किया था, मैं सच कह रही हूँ। हो सकता है कि तुमने कुछ नहीं किया, रूही समझने की कोशिश करो ना। सूरी के लिए इस घर में सुख शांति तुम्हारे जाने से ही होगी, उसके बाद ही वो घर में पूजा करेगी। भूल गई, सुबह उसने ऐसी प्रार्थना की थी ना। आज के बाद इस घर में पूजा तभी होगी जब इस घर की सारी मुसीबतें, सारे कलेश दूर होंगे। इस घर के कलेश की वजह तुम हो रूही। रूही, बाकी फैसला तुम्हारे हाथ में है, समझदार को इशारा काफी है। अब देखिए मनसुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।